क्वेश्चन ये है कि सिस्टम को रिलीज करने के बाद स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों मास एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल एम और कैपिटल एम का मिनिमम रेशियो फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिस्टम को रिलीज़ करने के बाद स्मॉल एम डाउनवर्ड डायरेक्शन में और कैपिटल एम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल है, तो कन्फर्म है कि दोनों स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्मॉल एम पर टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब यहाँ पर स्मॉल एम का जो वेट है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो कन्फर्म है कि सिस्टम को रिलीज़ करने के बाद स्मॉल एम दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। अगेन स्ट्रिंग का लेंथ हमेशा कांस्टेंट है, तो ये भी कन्फर्म है कि जब स्मॉल एम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो कैपिटल एम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब यहाँ पर स्मॉल एम मास की वैल्यू कितनी भी कम क्यों ना हो और कैपिटल एम मास की वैल्यू कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, सिस्टम को रिलीज करने के बाद स्मॉल एम डाउनवर्ड डायरेक्शन में और कैपिटल एम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दोनों मासेस पॉइंट पी पे मीट करते हैं। ठीक है, लेट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स एंड दिस डिस्टेंस इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो स्मॉल एम मास है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, विच इज इक्वल टू स्मॉल एम जी एक्स। ठीक है, अगेन जो कैपिटल एम मास है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, एंड दिस इक्वल टू कैपिटल एम जी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वो सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगेन पॉइंट पी पर दोनों मासेस की स्पीड सेम होगी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट पी पर दोनों मासेस के लिए जो कनेक्टिंग स्ट्रिंग है उसका शेप सेम होगा। ठीक है, तो कन्फर्म है कि पॉइंट पी पर दोनों मासेस की स्पीड इक्वल होगी। ठीक है, अगेन यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्मॉल एम की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, अगेन कैपिटल एम की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो उस केस में भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर स्मॉल एम बाई कैपिटल एम की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो स्मॉल एम है वो कम से कम होना चाहिए और जो कैपिटल एम है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये वैल्यू मिनिमम रहे। ठीक है, तो इसलिए कंडीशन ये है कि दोनों मास जब पॉइंट पी पे मीट करते हैं तो उस समय सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अगर ज़ीरो हो जाए उस केस में ये रेशियो मिनिमम होगा। ठीक है, मतलब स्मॉल एम जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा वो कैपिटल एम गेन कर लेगा। ठीक है, और जो सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब दोनों मासेस जस्ट पॉइंट पी पे मीट करेंगे। ठीक है, तो होगा ये कि दोनों मास पहले एक्सेलरेट करेंगे फिर डी एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, इनिशियली दोनों मास की स्पीड ज़ीरो थी, तो जब ये रेशियो मिनिमम होगा तो दोनों मास पॉइंट पी पे जब मीट करेंगे तो दोनों की स्पीड ज़ीरो होगी। ठीक है, मतलब दोनों मास पहले एक्सेलरेट करेंगे फिर डी एक्सेलरेट करेंगे। तो यहाँ पर जो कैपिटल एम है उसकी स्पीड इधर कहीं मैक्सिमम होगी, फिर उसके बाद वो डी एक्सेलरेट करेगा और पॉइंट पी पर उसकी स्पीड अगेन ज़ीरो हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली जो स्मॉल एम है उसकी स्पीड इधर कहीं मैक्सिमम होगी, पॉइंट पी पर अगेन उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये अप्लाई करेंगे कि जब
ये रेशियो मिनिमम होगा, उस केस में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, मतलब पॉइंट पी पर दोनों मासेस की स्पीड ज़ीरो होगी, ठीक है। सो वी हैव स्मॉल एम जी एक्स इक्वल टू कैपिटल एम जी वाई, ठीक है, जी जी कैंसिल, एंड वी हैव स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इक्वल टू वाई बाई एक्स, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, ठीक है। तो अब हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो दोनों मास जब पॉइंट पी पे मीट करेंगे तो जो स्ट्रिंग है उसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर कैपिटल एम एंड दिस इज फॉर स्मॉल एम, ठीक है। अगेन स्ट्रिंग का टोटल लेंथ 6L के इक्वल है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3L होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 3L के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 3L बाई 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम स्मॉल x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव x इक्वल टू रूट ओवर, ये हो जाएगा 3L बाई 2 होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 4, तो हो जाएगा रूट 5 एल बाई 2, ठीक है। अगेन वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो 2L cos 30 हो जाएगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 2L cos 30 होगा, उसमें से हम x को माइनस कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो वी हैव y इक्वल टू 2L cos 30, 2L cos 30 इज इक्वल टू रूट 3/2 माइनस x, दैट इज रूट 5L बाई 2, ठीक है। तो ये y की वैल्यू हो गई, सो दिस इक्वल टू y बाई x। तो इसमें L बाई 2 अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2√3 माइनस रूट 5, ठीक है। तो अगेन y बाई x करते हैं, L बाई 2 L बाई 2 कैंसिल, एंड वी हैव y बाई एक्स इक्वल टू 2√3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई रूट 5, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम चाहते हैं कि स्मॉल m बाई कैपिटल m का रेशियो मिनिमम हो तो उसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों मास जब पॉइंट P पे मीट करेंगे तो उस समय सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब दोनों मासेस की स्पीड ज़ीरो होनी चाहिए, उस केस में ये जो रेशियो है वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।